हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्राप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ त्राप्ति। आज की रेसिपी है पालक की पूड़ी। आप इसे कचौड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि बनाने का तरीका तो बिल्कुल पूड़ी जैसा है पर टेस्ट में एकदम कचौड़ी जैसी। मेरी और मेरे घर में तो ये सबकी बहुत फेवरेट है। तो चलिए बनाते हैं पालक की पूड़ी मेरे साथ। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। पालक की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पालक को ब्लांच करेंगे। पालक को अच्छे से वॉश करके रख लें 3 से 4 पानी से। इसके बाद में बॉईल करते हुए पानी में पालक ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। ज्यादा बॉईल नहीं करना है, कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए, ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और पालक अच्छे से बॉईल हो रही है। गैस को ऑफ कर देंगे और पालक को स्ट्रेन कर लेंगे। पालक को स्ट्रेन कर लिया है, पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। इसके बाद में इसे ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, इसका प्यूरे बनाएंगे। पालक ठंडी हो गई है, जार में निकाल लिया है। काफी सारी लहसुन की कलियां हैं, डाल देंगे 15 से 20 है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 हरी मिर्च, ये भी ऑप्शनल है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पालक अच्छे से ग्राइंड हो गई है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 3 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सौंफ है 1 टेबल स्पून, मोटी वाली सौंफ है। इसे आप क्रश करके या दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। पालक के प्यूरे ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, अगर पानी की नीड होगी तभी पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और पूड़ी का डो लग रहा है, टाइट डो लगेगा। ये देखिए, डो लग के रेडी हो गया है। कितना टाइट डो लगा है और कलर देखिए, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। ये देखिए, ठीक इसी तरह इसका डो लगाएंगे। और एक्स्ट्रा पानी मत यूज करिएगा। डो बन के रेडी है, 10 मिनट लिए रेस्ट के लिए रख देंगे आटे को, डो को। 10 मिनट बाद इसकी पूड़ियां बनाएंगे। आटे को रेस्ट दिए, 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं। आटे को हमेशा रेस्ट देना बहुत जरूरी है, अप्रोक्स 10 मिनट तो देना ही चाहिए। इससे पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, पराठे सब कुछ बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। पालक की पूड़ी हरी चटनी के साथ खाने में मजा ही कुछ और है। हरी चटनी का लिंक ऊपर दिया है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, हरी चटनी का वीडियो देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, इसी तरीके से सारी बॉल्स बनाएंगे। एक बात और, अगर लहसुन अच्छे से ना ग्राइंड हुआ हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। छोटे छोटे चंक्स कभी कभी रह जाते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। छोटी छोटी बॉल्स बना ली है, अब इनको रोल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, सूखा आटा यूज नहीं करना है, ऑयल लगा के ही बेलें, हल्के हाथों से बेलें प्रेस करके। ऐसे ही और बेल लेंगे सेम प्रोसेस में। सारी पूड़ियां अच्छे से बेल ली हैं, ये देखिए, ये देखिए बढ़िया से बेल ली हैं। ना बहुत पतली रखनी है ना बहुत मोटी रखनी है, मीडियम रखनी है थिकनेस इसकी। अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड, सरसों का, कोई भी, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें पूड़ी ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा दबा के फ्राई करिएगा तो ये फूल जाएगी। ये देख कितनी बढ़िया पूड़ी बनी है, इसे निकाल लेंगे। ये पूरी तरीके से नहीं फूलेगी, इसमें मैंने सौंफ डाली है, सौंफ की वजह से ये नहीं फूलेगी, बट बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। पालक की पूड़ी बनके रेडी है, इसे हरी चटनी के साथ खाइए और इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।